मणिपुर की घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि पिछले 3 महीने से मणिपुर जल रहा है, लेकिन पीएम मोदी ने एक वक्तव्य भी नहीं दिया। आज मणिपुर के साथ राजस्थान और छत्तीसगढ़ को भी जोड़ दिया। मणिपुर से छत्तीसगढ़ की तुलना प्रदेश का अपमान है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मीडिया से चर्चा के दौरान ये भी कहा कि मणिपुर में महिला को निर्वस्त्र घुमाया गया, बलात्कार हुआ, पूरा देश इस मामले में चिंतित है, लेकिन प्रधानमंत्री ने एक शब्द भी नहीं कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि मणिपुर में डबल इंजन की सरकार है, वहां कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? चुनावी रणनीति के हिसाब से देश नहीं चलता। डबल इंजन के तो मणिपुर में है, क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे हैं वहां? वहां तो डबल इंजन की सरकार है और 3 महीने से जल रहा है। कर्नाटक के चुनाव पहले से शुरुआत हुई थी और वो प्रचार में व्यस्त थे, गृह मंत्री भी व्यस्त थे, बहुत बाद में गए। तो इस प्रकार से केवल चुनावी राजनीति के हिसाब से करेंगे तो देश ऐसे नहीं चलता। इसके पीछे भी राजनीति है, उसको चुनाव प्रचार ही दिखाई दे रहा है। मणिपुर की घटना अलग प्रकार की घटना है और उसके बारे में बोलना चाहिए था, लेकिन छत्तीसगढ़ और राजस्थान को जोड़ने का औचित्य क्या है? हमारे प्रदेश को बदनाम करने का जो कुत्सित प्रयास किया जा रहा है वो बेहद दुर्भाग्यजनक। उसके पीछे का मंशा केवल यही है कि मणिपुर की घटना से ध्यान भटकाना और जो प्रदेश शांत है उसको उसके साथ जोड़ना, ये कौन सी तुलना हुई? और आप अभी भी मणिपुर की घटना को छुपाना चाहते हैं, छत्तीसगढ़ के और राजस्थान के नाम जोड़ के, पहले तो राजस्थान और छत्तीसगढ़ का नाम लिया फिर मणिपुर। ये एक तो पहली बार मीडिया सामने आए और आए तो झूठ बोल गए। जुमलेबाजी बंद करिए प्रधानमंत्री जी, जो जिम्मेदारी आपकी है उसका निर्वहन करिए।